वापस घूमने जा रहे ले बैक टू बैक ट्रिप पे ट्रिप। अभी आया था मैं कुछ दिन पहले और अभी अपन वापस जा रहे हैं बैंगलोर टू मीट एलन द वॉकर। वहाँ पे पूरा आरओजी का स्क्वाड आने वाला है, एलन वॉकर को मिलने वाले वहाँ पे। भाई मैंने पहना हुआ है अपना असेंशन पे मिला हुआ टी शर्ट, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, एल साइज दिए थे मेरे को, लेकिन मम्मी ने उसको फुल फिटिंग वगैरह करा के लाया है। आज मैं पहना हूँ फुल ट्रिप में एकदम। एक बार ये ना गलती से मेरा फ्लाइट मिस हो गया था कन्वर्जेंस के लिए, पिछले साल की बात है। तब से लेकर आज तक मेरे को है ना घर पे से अकेला जाता है 50 घंटे पहले फ्लाइट के। अभी 6:30 बजा है और 9 बजे का फ्लाइट है मेरा, 3 घंटा मेरे को अभी इधर बैठने का है। अभी जैसे ना एक अंकल दूसरे अंकल को मिले, वो पूछते और भाई क्या चल रहा है, वो अंकल पॉज लिए ले और बोलते फॉर। प्लेन के अंदर हम लोग आ चुके हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे बाजू में अभी आइसलिंग्स भाई बैठने वाले, लेकिन वो अब तक आए ही नहीं, बोलते 10 मिनट लगेगा उनको आने के लिए। अब किधर है क्या मालूम, और अभी प्लेन उड़ जाएगा थोड़े टाइम में और भाई का आता पता नहीं है। मेरे को लग रहा है भाई का हो गया है, भाई का छूटने वाला है प्लेन। अभी भाई आइसलिंग्स भाई ने ही मेड टू द फ्लाइट, चक्का चलने वाला था, चक्का रुका के भाई बैठे थे। मैं ये बोल रहा था कि आइसलिंग्स भाई पहली बार अपने ब्लॉग में आए। नमस्ते आइसलिंग्स भाई, आपको मैं तब से देख रहा हूँ पबजी के एकदम ओल्ड डेज से। हाँ। मैंने ना आपका एक फैन एडिट बनाया था एकदम पहले। हाँ। हाँ। मैं पबजी लाइट वाली खेलता था ना, तो आपका दिखता था पबजी लाइट। हाँ, पबजी लाइट तो मैं पबजी लाइट तो आपने एक दो बार खेला था और उसमें आपने 50 के ले लिए ना। भाई का ओजी एकदम खट्टर दोपहर को स्ट्रीम करते थे कॉलेज से आते साथ, इनका स्ट्रीम दिखता था खाता खाते खाते। होटल को पहुंचने के लिए हमें एक घंटा दिखा रहा था कुछ, भाई बोलते आधे घंटे में पहुंचाएंगे। एक नंबर चला रहे, उड़ा रहे। हम लोग एयरप्लेन से आके दूसरे एयरप्लेन में बैठे ले, डायरेक्ट 120 टच कर दे भाई, फुल रपा रप। और वेदर एकदम मजबूत हुआ पड़ा है, इधर बारिश आने वाली ऐसा लग रहा है। एलन भाई के कॉन्सर्ट में भीगते भीगते नाचने वाले हम लोग, मजे आने वाले। जाते अभी अपने होटल पे, होटल में आ चुके हैं और ये होटल है ना भाई, इसके नीचे इतना इनका रिसेप्शन एरिया इतना बड़ा है, बहुत क्रेजी होटल है भाई ये बहुत। आ चुके हैं हम लोग अपने रूम में एंड हम लोग रूम शेयर कर रहे हैं विद द गोटी गेमर लाला। आज रील बनाने वाले एलन वॉकर के साथ एकदम पर्सनल में। और कैसा लग रहा है, क्या आप इंडोनेशिया जाके आए हो, बैंगलोर में कैसा लग रहा है आपको? भाई अच्छा लग रहा है, रूम तो बहुत बढ़िया है। इसको ही ब्लॉग को ही पता रहेगा भाई कि इंडोनेशिया का अपना रूम कितना सा था और कैसा वाइब था उसका। ये देखो भाई फ्लोरिंग वगैरह वुडन है भाई, इधर एकदम डेंजर वाइब है, मतलब थीम एकदम वुडन अच्छा रखेला है, बहुत स्पेशियस रूम है। बाथरूम एकदम मुंबई वाला ही है। हाँ क्या? हाँ छोटा सा। ओ ठीक है ठीक है भाई ठीक है। यहाँ पे दरवाजा बंद करियो। तो वही भाई लोग, तो अभी आ गए हैं हम लोग रूम में, अभी हम लोग को रेडी होके फटफट फटफट निकलने का है। और पोटैटो ताई ने कुछ तो मुझे भेजा है, अभी वो मैं देखने वाला हूँ, तो इसलिए फट से स्ट्रीम भी चल रहा है। बहुत एक्साइटेड थी वो। हाँ के हर्ष भाई अभी मतलब कॉल किया मेरे को, तो हर्ष भाई को गिफ्ट क्यों नहीं दिया, हर्ष भाई को गिफ्ट नहीं मिला, अभी तक मिला ही नहीं है मेरे को, तो शी वाज रियली एक्साइटेड। ओके पोटैटो ने तेरे लिए एक टी-शर्ट है या स्वेटशर्ट काइंड ऑफ है। हाँ And here it is, baby. अरे वाह कसम। रैबिट का। Yes. और मैंने actually ये पहना test करने के लिए क्योंकि अपना almost same matching size है।
तो मेरे को इतना जम रहा था, मैंने पोटेटो को बोला कि भाई ये हर्ष भाई को छोड़ो मैं रख लेता हूँ, पर उसने मेरे को डांट दिया उधर कि नहीं ये हर्ष भाई के लिए है और ये उसको ही तो देगा। वाह क्लीन है यार कलर, बहुत मेरे को पहन के देखते हैं। आ रहा क्या साइज सही है? यस सर। नाइस, लेट्स गो। बढ़िया लग रहा है भाई, एक नंबर लग रहा। पोटेटो बोल रही थी कि तेरे को लाइक कपड़ों का ऐसा शौक है। अच्छा हाँ, पसंद है ये काफी, तो उसको हाँ उसको आइडिया यही आया। थैंक यू सो मच पोटैटो, आप बाद में देखोगी तो। यस, एक नंबर फट्टे लगा। चेक बॉयज आर ऑल सेट टू मीट एलन वॉकर एंड अपनी पब्लिक, एकदम ड्रिप में हम लोग देख रहे हो। फुल आइटम भाई का फिट चेक, एकदम बीच एंड वाइट, जैसा ओवर शर्ट है वैसे ही एकदम मैचिंग शूज भाई के। भाई ने दोनों एकदम फिट लग रहे हैं, एकदम ब्राइट शिट है भाई। यहाँ पे चल रहा भाई ऑलिव व्हाइट ब्राउन का एक्शन, फुल ऑन ओल्ड मनी विद द वॉच, ऊफ लुकिंग क्लीन ब्रो। लेट्स गो भाई, अभी पब्लिक आनी चाहिए उधर, गर्दी आनी चाहिए मजबूत ऐसा। मैं तो बोल रहा हूं मीट अप है भाई। हां भाई, मैं तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूं, पब्लिक आनी चाहिए भाई, उसके लिए एक्साइटेड है हम लोग। देखते हैं क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ, पहली बार है ऑफिशियली अपन दोनों का पहला मीटअप है एक साथ। लेट्स गो भाई, एक्साइटेड फॉर टुडे, लेट्स सी यू गाइस ऑन द इवेंट। हम लोग को अभी निकलना है फटफट क्योंकि पता चला एलियन भाई आ गए और हम लोग ही नहीं आए, तो कैसा है हम लोग ज्यादा स्पेशल है तो लेट ही आएंगे, लेकिन ठीक है चलो निकल चुके हैं हम लोग। भाई हम लोग कैसा लग रहे भाई, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, थैंक यू। अभी हम लोग निकलेंगे। आई एम फ्रॉम मुंबई, नवी मुंबई। नवी मुंबई, यस ओके। यहाँ से इवेंट जो है वो 20 मिनट्स की दूरी पे है, तो हम लोग को फट 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 निकलने का है और अभी जाते। 2 बजे और बाहर मौसम देखो दोस्तों, बारिश आ रही है। बैंगलोर का है ना अलग ही, मतलब अपने इधर कितना भी गर्मी हो कुछ भी हो जाए, लेकिन बैंगलोर में गर्मी है ना होती नहीं है ऐसा लगता है भाई। माहौल मौसम एकदम चुम्मा परफेक्ट होता है हमेशा। ये देखो पानी, ये है हमारा वेन्यू जहाँ पे मॉल होने वाला है। ये मॉल बोलते हैं बहुत बड़ा मॉल है हाँ एशिया का, ऐसा कुछ तो विषय है। इसका नाम है फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया बैंगलोर, दुनिया भर का बड़ा मॉल है, देख रहे हो एकदम डेंजर मॉल बनाया है। कैसा पत्ते वत्ते डाले ना ऊपर से। अभी हम लोग जा रहे हैं वो स्टोर में, एसोस का स्टोर का ना लॉन्च है यहाँ पे, पहला उनका 300 स्टोर है एसोस आरू जी का, उसके लॉन्च के लिए अपन आए थे। और इधर एलन वॉकर भी आने वाला है, तो वो सीन है यहाँ पे, बहुत बड़ा मॉल है भाई, बहुत बड़ा। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टोर पे, बाकी की कंपनी लेट आ रही है भाई, इधर बहुत ट्रैफिक हुआ है ना, ट्रैफिक और ऊपर से बारिश आ रही है, और इधर मेरे को बज रही है ठंडी में कुड़कुड़ रहा हूँ। ये स्टेज पे एलन वॉकर आके चिल्लाने वाला है भाई, आई लव यू ऑल। पब्लिक ऑलरेडी आई है, पब्लिक रुकी है भाई, कब आएंगे ट्रिमर लोग हमारे, कब आएंगे भाई ने हर बैंगलोर मीटअप पे भाई मिलते हैं और कुछ ना कुछ लाते हैं। आज भाई ने क्या लिया लाया देखो अच्छे से, ये क्यों लाया तुमने, क्या सोच के लाया तुमने? बस ऐसे अच्छा मेरा गेम प्ले तो बड़ा जरा भी आरसीबी जैसा नहीं है, बट थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं अपन ठीक है। अभी दे रहे हैं यार, ये क्लर्च भाई को पसंद आएगा, क्लर्च भाई को देंगे अपन। अभी लेके घूमना पड़ रहा है अपने भाई ने दिया है, तो नहीं तो भाई मैं देखता भी नहीं। बैठे हैं बैक स्टेज में, यहाँ पे हम लोग को अलग से समझ लो ऐसा बैक स्टेज विषय होता है ना, डायरेक्ट हम लोग एंट्री नहीं मारते, और यहाँ पे भाई रेडी हो रहे हैं कॉस्प्ले के लिए। देखो ये देखो इधर उनके हथियार वितियार है, बहुत डेंजर से और एकदम अच्छे से भाई ड्रेसअप हो रहे हैं। बाहर पब्लिक चिल्लम चिल्ली कर रही है, पता नहीं क्यों, शायद कोई तो आया है या चालू हो गया है शो। अपने क्रिएटर लोग में से कोई नहीं आया, सिर्फ रमन पाची, मैं और हाइड्रा भाई है, बाकी सब लेट है। किधर है भाई? यहाँ पे कार्ड दिए हैं ऐसे जिसके ऊपर नाम लिखा है, हर्ष खेल रहा है, हाइड्रा भाई का भी है, हाइड्रोपिक गेमिंग वाली चैनल, और एलन वॉकर का यहाँ पे विषय है, और हम लोगों को टी शर्ट भी दिए ना। टी शर्ट देखो भाई, एलन एलन चालू हो गया है, आ गया शायद भाई। हम लोग अभी आए और अभी पूछा मैंने, तो एलन वॉकर जो है वो आधे घंटे से यहाँ पे आके बैठा है और हम लोग 5 मिनट पहले आए, तो ज्यादा स्पेशल कौन है? ज्यादा लेजी कौन है? हैवी विषय है भाई। भाई इधर से झांक के देख सकते हो, ये देखो स्टेज भाई, देखो माँ कसम अभी ये काउच पे अपन बैठेंगे क्या, माँ कसम से स्टेज देख रहे हो। इधर एलन वॉकर आएगा, नाचेगा शायद,
यार शायद हम लोग ही नाचेंगे, क्या पता पब्लिक तो है बे, इधर अपनी पब्लिक रहेगी क्या ये क्राउड में? मेरे को तो लगता है भाई ये नॉर्मल पब्लिक ही है जो मॉल देखने के लिए आई है। देखते हैं भाई, हमारे हेडलाइट लग चुका है, अभी आरजीबी चमकेगी शायद भाई का। ये देखो ये, ओ माय गॉड, तो बड़ा साइज भाई सब घुसा देंगे किसी के अंदर आर पार। अभी भाई के पीछे बाल भी देखो बहुत डेंजर है भाई, सर हिला देंगे ना उधर स्टेज पे जाके, पब्लिक हैरान हो जाएगी। हम लोग जा रहे हैं अभी वो आगे वाले सोफे पे बैठने के लिए कंपनी। Hey, who loves alone? How many of you have seen the high quality as well as the low quality Instagram reels where you keep seeing faded and this thing you use? Billions of views, right? He's a worldwide star and he's here in India once again. 5, 4, 3, 2, 1, Alan, welcome everybody! ओ भाई एलन वॉकर आ रहा हम लोग से मिलने के लिए, खास इतने दूर से, थैंक यू। हेलो हर्ष, यो एलन, वुड लाइक टू से दिस, वी ऑल आर यूट्यूबर्स हियर, बट वंस everyone has used your song faded every time in his YouTube video, so we are so thankful for it, man. Thank you so much for that song. Thank you so much. ये दिख रहा है चैट, ये पब्लिक जो मिल रही है ना, इन सबको VIP एक्सेस मिला है, और VIP एक्सेस कैसे मिला है, क्योंकि इन्होंने फॉलो किया हम लोगों को इंस्टाग्राम पे, बराबर की नहीं पाजी? वो फटाफट इंस्टा पे फॉलो मारी, क्योंकि ऐसे भी तुम मिस कर दोगे नहीं। तब से रोना चल रहा है कि बाल पे कुछ लगाए कि नहीं, क्या लग रहा है? हेयर प्रोडक्ट नहीं लगाया तो अंडा लग रहा हूँ भाई। क्या भाई, इतना अच्छा नहीं लग रहा भाई, राउंड अच्छा लग रहा है, चलता उत्ता सेक्सी दिखाओ अंडा भाई, तुम भी ऐसे भाई। एलन वॉकर भाई आए और गए, 10 मिनट भी नहीं रुके, 5 मिनट रुके, आए गए, रील वील बनाने वाले थे, रह गया, बट फोटो वोटो लिए, मैं वीडियो बनाया। सही बोला ना भाई, मेरे पास है ना हैवी क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन ये मिलेगा उसको जो उसको जोरदार से बोलेगा, ठीक है? तो मेरी एक गैंग है, उसका नाम क्या है? That guy with the specs. Enjoy, please. Thank you, boys. Thank you so much, Harsh. Finally, we've got iFlix here, ladies and gentlemen. So, boys, यहाँ पे एलन वॉकर भाई को मिलने के लिए सब लोग आए थे, अपनी पब्लिक आई है, दूर दूर से बैंगलोर की पब्लिक है, पब्लिक पाव गैंग की पब्लिक, एक बार आवाज करेंगे साथ में मॉल में गूंजना चाहिए, यस जोरदार, when I say pow, you guys say gang, say pow, gang, pow, gang, pow, gang, that's my pow gang, let's go. थैंक यू भाई लोग आने के लिए। देखिए भाई द बिल्डर कुछ तो लाए, बिल्ड एक बार फ्लेक्स करो, पहले फ्लेक्स करो, क्या बात है भाई, मेरे लिए कुछ लाए देखिए भाई, लाए मैसूर पाक भाई, लास्ट टाइम भी किसी ने दिया था मेरे को बैंगलोर में, मेरे को बहुत पसंद आया था, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच, ये अच्छा हाँ नवरात्रि के लिए, अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई, नवरात्रि की खूब खूब शुभेच्छा तुमको, पाव गैंग फॉर द विन, लेट्स गो, पाव गैंग चैंट कर रहे थे तब ये दोनों नहीं थे, तो वो बोले कि हमको भी ले लो व्लॉग में, आपका नाम बताओ? विजय और मनोरंजन मनोरंजन भाई, इसका 12th चल रहा है, इसका भी 12th चल रहा है, दोनों बंक करके आए भाई, पढ़ाई विढ़ाई करो, अच्छा आज छुट्टी है, झूठ बोल रहा है भाई, का कॉलेज चल रहा है, कौन सी ईयर में झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये पकड़ा हुआ है इसको, आपको कुछ बोलना है हैदराबाद, इनको एडवाइस देनी है स्टडीज की? मैं 12th खुद नहीं किया भाई, मैं को पूछ रहा है, मैं बोलूंगा एम टेक्निक कैसे करना है वो मेरे को पूछ सकते हो भाई, पढ़ाई का मत पूछो, पढ़ो भाई ध्यान से, आ गया, चलो थैंक यू, ले लिया व्लॉग में अभी, ओके। ये अपने भाई मेरे को ना हर मीटअप पे मिले, ये मेरा फर्स्ट एवर मीटअप था जहाँ पे थक भाई दिख रहे ना वो, फिर उसके बाद में ये CSGO वाला, ये भी CSGO वाला, फिर ये कौन सा है अबे, ये वाला
भाई और मेरे बहुत ही रेगुलर व्यूअर रोहित भाई आए यहाँ पे चैट में. रोहित भाई ने कुछ तो लाए ले आ क्या भाई के लिए. खुल के दिखाओ भाई. आर्टिस्ट है भाई. तो डिजिटल है. खोलो ना. भाई बोल रहे मेरे को थोड़ा सा बेंगा बनाया है. ठीक है देखते हैं. बन गया. रुको एक 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 खोलो. हाँ पहले ये खोलो. अरे माँ कसम मैं रो रहा हूँ ऐसा लग रहा है. लेकिन अच्छा है. क्या बात है. भाई तुमने ये डिजिटल है या माँ कसम भाई क्या फील है यार. क्रेजी शिट. हाँ फॉर रियल. एक्सक्यूज मी प्लीज. अब आपका खोलो. कौन सा ट्रैक है ये? ये F2 ट्रैक है. कोई तो आपने डाल दिया पिट में डाल दिया भाई ने. आरू जी का जो स्टोर रिवील है दोस्तों, जो 300 स्टोर है वो देखो ये. दिस इज द स्टोर. ये रिवील हुआ है बैंगलोर में. तुम लोग कोई है तो आओ देखो इधर क्या क्या मिलता है. बहुत डेंजर चीजें मिलती है. ये ऐसा कंट्रोलर विंट्रोलर. ए भाई फोटो भी तो है यहाँ पे. मैं किधर है इसमें. मेरा तो आता पता नहीं है भाई. मेरा फोटो अगले वाली मैगजीन में आएगा. कोई दिक्कत की बात नहीं है. इस पे गेम खेल सकते हैं अपन. डेंजर चीज है. देखो मजबूत सारे लेटेस्ट लैपटॉप है यहाँ पे. सब कुछ बहुत मस्त स्टोर बनाए लो. चैट ये देख रहे हो ऐसा फुल. ये लगाए ले बैनर्स एलन वॉकर के. इतने डेंजर. अपने टीवन भाई ने बताया ये मॉल इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है. तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग के जान पहचान में कमेंट्स में बताओ ऐसे कितने मॉल्स हैं जो इंडिया के सबसे बड़े. क्योंकि सब बोलते भाई इंडिया का ये सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है. हाँ भाई तुम बताओ मेरे को बताओ क्या ये इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है. वन ऑफ द बेस्ट भाई सब बोलते. मेरे इधर भी एक है मालूम बाजू में. मेरे बाजू में भी एक है. वो सब बोलते हैं भाई ये सबसे बड़ा है. मालूम क्या इंडिया का सबसे बड़ा है. सही में? हाँ सही में. भाई पब्लिक बताएगी ना कमेंट्स में. बताओ अगर जो बेंगलोर से है उन लोग कमेंट करके बताना. बेंगलोर वाले तो वही बोली कि भाई यही सबसे बड़ा है. हाँ ठीक है स्टेट वाले भी बोल देना. बराबर. लेकिन यार डेंजर है. देखो माँ कसम ऊपर झुम्बर उम्बर भी लगा एकदम डेंजर ना. मेरे को ऐसा माहौल बनेला है ना. ऐसा हवा चल रही है कि इधर मैं लेट जाऊँ और चादर ओढ़ के सो जाऊँ ऐसा लग रहा है मेरे को. है ना पप्पी ले रहे. हाँ मेरे को मन कर रहा है चादर ओढ़ के इधर सो जाऊँ. इतना अच्छा लग रहा है भाई. क्या माहौल है. अभी बारिश आ जाए थोड़ी थोड़ी मजा आ जाए. और ऐसा कॉन्सर्ट में कल माहौल रहेगा ना तो खत्म है भाई. विषय मजा आएगा. रुको भाई लोग ये क्या है. ऐसा GTA का रैंप क्यों बनाया ले आया. डायरेक्ट इधर से रैंप टेक ऑफ करके ये वाला रैंप पकड़ लेने का. डायरेक्ट रोड शॉर्टकट. डिनर टाइम मीटअप होने के बाद अभी पेट पूजा लाभ एकदम. माँ कसम 5 करोड़ चीजें ना भाई खाने के लिए. 5 करोड़ चीजें. अरे माँ ये क्या है. कर्ड राइस दही वड़ा प्लेन कर्ड रोमेन लेटस. ये रोम से इधर लोग इम्पोर्ट कराते और फिर खाते. ये सब इतना सब एक प्लेट में आएगा भी नहीं. 3-4 प्लेट तो लेने पड़ेंगे. हाँ ये स्टार्टिंग आइटम लेने के लिए क्या बोलते हैं हैदराबाद. 3-4 प्लेट तो लेने पड़ेंगे ये सब. ये सब डालने के लिए. ये क्या हम्मस क्या होता है हैदराबाद. हम्मस मिडिल ईस्टर्न डिश. क्या बात है. ये बाद अभी डेजर्ट मार रहे हैं अपन. देख रहे हो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें. सैफरन हनी एंटरटेनमेंट लिया है जो इसके बीच में कुछ तो है डेंजर. टीवन भाई का डाइट चल रहा है तो वो नहीं खाएंगे शायद.
इसलिए इधर पुडिंग बनाया है, क्रोइसों दबा डुबा दिया है उसमें, पम्पकिन का हलवा, हाँ पम्पकिन का हलवा है इधर, गाजर का नहीं पम्पकिन का हलवा, फिर खा के देखते इतना लिया है उतना कैसा है। सैफरन वाला ट्राई करते हैं, हैदर भाई बोले मेजर लगता है, इंटरेस्टिंग टेक्सचर, जेली वेली जेली टाइप का है। अच्छा ये बीच में जेली है ये, पुडिंग जैसा है ना, अच्छा है भाई मेरे को ये ट्राई करना है ना, ये डाले गई थी बाइट में, चॉकलेट का फार्ट ट्राई करते ना एक बाइट में, चिपक गया। रात के 4 बजे सोए थे हम लोग और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, आके देख रहे हो मेरी, मैं पिछले 3-4 दिन से ना सोया ही नहीं हूँ वहाँ पे सर। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट खाने, क्योंकि बाहर होटल का ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करने का, बहुत मस्त होता है। पाजी ने कॉल किया, बोले आ जा नीचे, मैं आ रहा हूँ। भाई ना भाई तो सो रहे आराम से टेबल पे, पाजी है यहाँ पे ऑलरेडी। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैं तो भूल गया भाई, खाने ले लिए, अंडा खा रहे हो, क्या बात है। और रमन पाजी ने तो बिरयानी, अच्छा पूरा वेज है, हाँ एक नंबर भाई, एक नंबर, मेदू वड़ा खाएंगे मस्त, डोनट है, बर्लिनर क्या होता है, और ये है ऑरेंज, सारे ऑप्शन है लेकिन है ना समझता ही नहीं है कि क्या खाने का, तो मैंने एकदम अपना नॉर्मल चीज़ लिया है, मेदू वड़ा मेरा प्रायोरिटी, मेरे को है ना सुबह सुबह मेदू वड़ा खाना बहुत पसंद है, हाँ मैं अन्ना के पास जाके गरम गरम मेदू वड़ा खा दो, अरे मतलब अन्ना लोग बेचते ना, नहीं नहीं ऐसा रस्ते में अन्ना लोग बेचते ना, बेस्ट गरम गरम एकदम क्रंची। आपके आपके यहाँ पे लखनऊ में वैसा क्या मिलता है सुबह सुबह? खस्ता। क्या खस्ता? मतलब कचौड़ी टाइप की होती है, कचौड़ी खस्ते ये होता है, नाश्ता जलेबी, वो सब मिलता है रस्ते पे सुबह सुबह। ओ भाई कड़कता एकदम क्रिस्पी आलू के साथ, बहुत ही स्पाइसी आलू होता है या चटपटा आलू होता है उसके साथ। ओ भाई वी ऑल सेड दिस इज द डे टू, आज होने वाला है कॉन्सर्ट और मैं ड्रिप में रेडी हूँ। ये वाला टी शर्ट अपने जो यूनिक्लो से उठाए थे इंडोनेशिया में, और मैं ऐसा ड्रेसिंग मार रहा हूँ फुल झागड़ू मागड़ू ड्रेसिंग। और अभी हम लोगों को अभी कितना बजा है, अभी 3 बज चुका है और हम लोगों को 4 बजे वहां पे कॉन्सर्ट शुरू होगा, लेकिन एलन भाई आने वाले हैं 9 बजे, तो हम लोग बोले इतना जल्दी क्या करेंगे जाके, तो इसलिए हम लोग अभी खाएंगे थोड़ा सा और फिर हम लोग IRL लाइव स्ट्रीम करने वाले, वहां पे हम लोग मचाने वाले एकदम स्वीट फोटो, देख रहे हो इधर, माँ कसम बोलते हैं भाई मैं माफिया भाई का बच्चा लग रहा हूँ बोलते। जाते हैं अभी देखते हैं पब्लिक और क्या बोलती है, कहाँ घूमते हैं, नेक्स्ट अपडेट इन 2 सेकंड्स। इधर एक डॉग है, 23 साल का डॉग है, उसको देखने के लिए आए लेना अभी अपन। भाई ये क्या है? अरे माँ कसम ब्रो कितना बड़ा है भाई। ओ शिट नो वे भाई, मैं पास ना जाऊ भाई, ये हटा भाई तो ना भाई ऐसा पप्पी वप्पी ले लेंगे उनका, उनको आदत है, मेरे को दूर से ही फटती है, देखो ना कैसा सुस्त हुआ पड़ा है, सो गया है भाई, हाँ बहुत जायंट है भाई ये, जायंट मूवी देखो ना कितना बड़ा है, बट ये ब्रीड के हिसाब से ही इज स्टिल स्मॉल, हाँ सेंट बर्नार्ड्स बहुत बड़े होते हैं भाई, इसके लिए अंदर रूम जो बनाया उसमें एसी वेसी लगा ले बोले, अच्छा है यार इतना देखभाल कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा ना तेरी उम्र, हाँ यार बराबर, तू जब पहला बना तब हाँ क्यूटी। जकूजी वकूजी भी है भाई ये होटल में, ये दिख रहा है तुम्हें, ये है जकूजी यहाँ पे अंदर अंदर जाने का, और तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम सब बॉयज एक पूल में गरम गरम पानी में हम लोग डुबकी मारेंगे और स्ट्रीम करेंगे, इतना डेंजर वाला पूल, इधर बैठो चिल करो, इतना बड़ा गार्डन है, बहुत क्रेजी प्रॉपर्टी है भाई बहुत, और ऊपर जिम भी है जो हम लोग अभी आज सुबह गए, वो मैं व्लॉग नहीं किया एक्चुअली। वी ऑल सेट फॉर द कॉन्सर्ट, सब लोग रेडी हो चुके हैं, सब लोग रेडी हो चुके हैं, उधर लाइव स्ट्रीम चल रही है और मैं उन्हें एलन वॉकर का मर्च पहना है, हम लोग इधर ऑलरेडी लेट है, उसका कॉन्सर्ट चालू हो गया है, वो परफॉर्म करने वाला है 8 बजे, इधर 6 बजे, 1 घंटा पहुंचने लगने वाले हैं।
चलो 6:30 बजे हम लोग निकल चुके हैं एलन भाई के कॉन्सर्ट के लिए, 8 बजे उधर आने वाले हैं, लेकिन रास्ता है सिर्फ 1 घंटे का और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये जिस तरह से बैंगलोर का ट्रैफिक है, हाँ जस्ट बाहर निकले और हम लोग अटक चुके हैं होटल के बाहर है अभी हम। मेरे हिसाब से लगभग 10 बज सकते हैं हमें पहुंचने तक और 10 बजे जो कॉन्सर्ट है वो खत्म होने वाला है। ट्रैफिक देख रहे हो, हम लोग कितने 6:30 को निकले थे, 6:15 हाँ अभी 8:15 हुआ है, आवाज आ रहा है, आगे 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 से लेफ्ट। हाँ हम लोग अभी पास में है ग्राउंड के, एलन भाई आ चुके हैं, वो लोग मचाना चालू किए, लेकिन प्रायोरिटी इधर पहली है हैदरा भाई की, हैदरा भाई को पानी पूरी खाने का है, तेल लगाने गया एलन वॉकर पानी पूरी पे लगाएंगे और ट्रैफिक लेकिन इधर बैंगलोर में नहीं खाया ना तो क्या कहेगा, बैंगलोर में आज तक खाया नहीं और ये देखते थे ऐसा लगा कि खा ये मेरे को बुला रहा है। ओके हम लोग अभी पानी पूरी आया, उसमें देख रहे हो कैसा हैदरा भाई, अच्छा उसमें दही भी डाल के दिए एकदम रेगुलर, पानी पूरी बोला दही पूरी मिला, राउंड बाजी लिया, हाँ लिया लिया, अलग है छोले होने का, हाँ अलग है छोले डाले, डेंजर है कुछ तो भाई, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है, एलन वॉकर तो नहीं है ये, कोई और बज रहा है अभी फिलहाल, तो हम लोग बराबर टाइम पे है, शायद क्या पता वो भी ट्रैफिक में फंसा हो। नसीब इतना बेकार है कि ये जो स्कैन करने का मशीन है वो अभी खराब हुआ पड़ा है, तो हमारी जो टिकट्स है वो लेट आ रहे हैं भाई, उधर एलन भाई बजा रहे मजबूत और हाँ फेडेड चल रहा है उधर, हमारे टिकट्स अब तक नहीं आए क्योंकि उनका मशीन खराब हो गया है, स्ट्रगल चल रहे हैवी, कीचड़ बना पड़ा है यहाँ पे, माँ कसम यही पे स्टेज है चल रहे परफॉर्मेंस, और गर्दी तो आई है बहुत ज्यादा, ये देखो स्टेज दिख रहा है मस्त भाई, अंदर आ चुके हम लोग,